जीरो, ट्रिप बी को हम जीरो कर लेते हैं, ये जीरो हो गया, आई होप इट्स विजिबल। और अब चलते हैं, तो ट्रिप है स्टार्ट अपनी। अब थोड़ा पेट्रोल डाल लेते हैं और उसके बाद में देखेंगे हाईवे पे कितना माइलेज देती है हमारी। जीरो की तरह। अरे यार ऊपर से निकलेगा। अब कितना है? 13.79 लीटर ना, टैंक हो गया फुल। आज सुबह होने वाली है, 4:44 हो गए और मैंने अभी 50 किलोमीटर पूरे कर लूँ कर चुका हूँ। मैं बात भी नहीं करना आ रहा बिकॉज सर्दी बहुत पड़ रही है और मैं ग्लव्स नहीं पहना बिकॉज मेरे को हाथ पे थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है। मैंने जो मेन हाईवे था बैंगलोर हाईवे, उससे मैंने राइट ले लिया है और ये महबूब नगर का रास्ता है। एकदम से गंदा रास्ता है, आप देख सकते हैं। अब ये रास्ते भी समझ में नहीं आ रहा, जो गूगल आंटी है ना वो कुछ भी बोल रही है, कभी लेफ्ट जाओ बोल रही है, कभी राइट जाओ बोल रही है। जब मैं किसी को पूछा, वहाँ दो तीन बंदों को मैंने पूछा, वो लोग बोल रहे हैं कि यार एक ही रोड है, ना कोई लेफ्ट लेना ना कोई राइट लेना, आप एक ही रोड को फॉलो करते जाओ। और ये गूगल आंटी अभी भी देखो वो बोल रही है आपको, लाइक शायद नहीं सुन रहा होगा, बोल रही है लेफ्ट ले लो। कहाँ है यहाँ पे लेफ्ट? ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम लोग, ट्रेन जब तक नहीं जाएगी तब तक हम लोग जा नहीं सकते। गांव के लोग सुबह से उड़ जाते हैं, मुझे ना बोलना भी नहीं हो रहा, इतनी सर्दी पड़ रही है। और ये लोग देखो शर्ट में जा रहे हैं सब लोग। अब ये एक थोड़ा सा पैच है जो ख़राब है यहाँ पे, और थोड़ा नहीं मेरे हिसाब से 1 या 2 किलोमीटर है। और यहाँ पे केसीआर साहब का नाम लिखा हुआ है। अबे उधर से खाली पड़ा ना, वहाँ से जाओ ना, वहाँ से कोई नहीं जाएगा। इतनी गंदी रोड है साला, 1-1 किलोमीटर पे, 1-1 किलोमीटर पे 10-10 मीटर का एक गंदा रोड आ रहा है, जो पैच बोलते हैं जिसको। अब देखो ये इतना रोड अच्छा है, सामने फिर से रोड गंदा हो जाएगा। ये नज़ारा देखो यार, वाह, मैं बाइक रोक नहीं सकता। आज आपको सामने दिख रही होगी हनुमान जी महाराज की मूर्ति। मैं हॉस्पिटल, ये रोड थोड़ा अच्छा नहीं है, माने के बाद थोड़ा फिट जाओ। वो भाई साहब वहाँ पे खेत जोत रहे हैं, हल चला रहे हैं, खुद हल के ऊपर बैठा हुआ है और दो बैल खींच रहे हैं। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। अब गर्म होगा टायर, चलो। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये जो मेरे पास है ना ये वाला, अरे यार ये राइड ऑन एयर बहुत मदद कर रहा है यार, बहुत हेल्प कर रहा है। तो अगर आप भी लॉन्ग राइड पे जाते हो तो प्लीज़ इसको यूज़ करो आप भी। आटा के ऊपर ही बच्चे बैठे हुए हैं। अरे गिर जाओगे ऊपर से। तो हमने पहला स्टॉपेज लिया है 300 किलोमीटर पे। और यू सी दिस वी स्क्वायर फूड कोर्ट एंड कार केयर, आई थिंक रिपेयरिंग वगैरह होता होगा। दिस लुक्स कूल। अभी मैंने लिया फर्स्ट स्टॉप, और फर्स्ट स्टॉप मैंने लिया है 10:30 को। मैंने स्टार्ट किया था जर्नी 4 o'clock को और अब हुआ 10:30। और महबूब नगर के बाद में जो रोड है ना, इतना गंदा है, आई एम टेलिंग यू 40 से लेकर 50 की स्पीड के ऊपर आप जा ही नहीं सकते, वो भी आपकी रिस्क पे। और आप देख लो, आप 4 बजे में स्टार्ट हुआ था, अभी तक मैंने 300 किलोमीटर क्रॉस किया है। तो और मैंने ये फर्स्ट ब्रेक लिया है, मैंने सोचा कंटिन्यू चलाएंगे, तो 4-5 घंटे से मैं कंटिन्यू चला रहा हूँ। और इतना गंदा रोड, आई एम टेलिंग यू, ये रोड अवॉइड करो यार। अगर कोई दूसरा रास्ता है हैदराबाद से गोवा जाने का तो वही लो यार। और यहाँ पे आ गया हमारा नाश्ता, तो भैया ने नाश्ता वाश्ता दिया है बना के फ्रेश। ये आ गई हमारी चाय, और मैं इसको बोला यार बड़ा कप लेके आने के लिए, लेकिन देखो कितना छोटा कप लेके आया, मतलब मज़ा नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं, 100 किलोमीटर के बाद में फिर से रोक के एक चाय तो पीना ही है, बिकॉज अब खाना खाया ना थोड़ी नींद आएगी।
पहले गांव था वहाँ पे, बहुत अच्छा था। मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने सोचा कि कैमरा ऑन हो गया, लेकिन कैमरा ऑन हुआ नहीं। अब आपको दिखा देता हूँ कि पीछे जो गांव गया ना, वो गांव दो चार से पांच पहाड़ियों के बीच में था और इट वॉज सो ग्रीन। अगर आप अंदर जाओगे ना तो पूरा मूवी का जो फील रहता ना वो आएगा आपको। एंड ऐसे वाले पहाड़ है ना यहाँ पे पिछले 10 से 15 किलोमीटर से ऐसे ही चल रहे हैं दोनों तरफ। वो तरफ भी आपको मैं दिखा देता हूँ, वो तरफ भी आप देख लीजिए, ये तरफ भी। नींद आने लग गई थी पानी पीने के लिए, सोचा थोड़ा फोटोशूट कर लूँ, थोड़ा पानी पी लूँ। अभी यहाँ से गोवा 344 किलोमीटर है, टाइम बता रहा 8 बजे का, दैट यू विल रीच बाय 8 o'clock। वेलकम टू कोपल्ला सिटी, सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल, काउंसिल कोपल्ला हुबली, 120 या 134 किलोमीटर। अब देखो जैसे ही मैं ये सिटी के अंदर पहुँचा, मुझे एक और हमारे ग्रुप के बंदे मिल गए, एक राइडर मिल गए हमें, और वो भी हैदराबाद से आए हैं और वो सनी भाई के साथ ही आए थे और वो थोड़ा पीछे रह गए, तो हम उनको मिल गए, सामने हिमालयन पे है वो। मेरे साथ में मिंटू भाई चल रहे थे, वो रोड पे मैं उनसे आगे था, जैसे ये वाला रोड आया ना खराब वाला, वो झट से निकल गए उनकी हिमालयन है बस, जैसे ये रोड आया वो खड़े हो गए गाड़ी के ऊपर और भाग गए। फाइनली मैंने 4:30 को सब राइडर्स को पकड़ लिया है जो कल स्टार्ट हुए थे, और सनी भाई जा रहे आगे, ये भाई का मैं नाम नहीं जानता हूँ, पूरे राइडर्स हैं वो थोड़े आगे भी चले गए और अब हम गोवा से ऑलमोस्ट 130-140 किलोमीटर। ये रोड का मज़ा अलग है, मतलब इतनी देर था, मेरे हाथ देखो आप, इधर से इन्फेक्शन हुआ पूरा रेड रेड हो गया है, इसलिए मैंने ग्लव्स भी नहीं पहना। तो हैदराबाद के पूरे जितने भी लोग आए हैं वो सब यहाँ पे हैं, मैं सबका एक बार सब बाइक्स दिखा देता हूँ, मेरा तो वहाँ पे खड़ी हुई है, मैं सोचूँ धक्का ना मार दे कोई, यहाँ पे सब लोग और पूरे जितने भी लोग हैं ना पूरे हैदराबाद से है इस वक्त, एवरीबडी पीछे तक है वहाँ तक, तो वहाँ पे रुकेंगे तब सबका इंट्रोडक्शन कराऊँगा। हेलो, अरे मस्त आ रहा है यार।
मुझे एक चीज़ और क्या पता है, 150 किलोमीटर तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं देखा मैंने, एक भी पेट्रोल पंप नहीं देखा मैंने। रेंगोल मैंने पहले टैंक फुल कर लिया था, अभी मेरी बाइक चल सकती है कितना किलोमीटर, 115, सुपर। और मैंने सुना है गोवा में पेट्रोल एंड दारू सस्ती है। ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं गोवा में, एंड यू सी दैट बोर्ड, स्वच्छ भारत अभियान वेलकम टू गोवा। तो ऑफिशियली वी आर इन टू गोवा नाउ, जंगल है जंगल, एंड डू कैच दीज पीपल। हाँ, ऑल द बाइक्स आर ऑन, ही इज द वन हू टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी, आगे जाना पीछे आना सबको, कौन आगे रह गया कौन पीछे रह गया, सुपर। जंगल जंगल है ये। कितना मशक्कत कर रहे हैं फोटो के लिए, देखो ये ले भाई, गोवा सिटी आ गई। कल ये फ्लाईओवर पे पक्का जाएगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या खूबसूरत दिख रही भाई, अब सिटी का नाम क्या है आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस है ऐसे बाइक पे आना। क्या खूबसूरत दिख रहा है यार, देखो वाओ। काश मेरे पास DSLR होता ना, अब निकाल के कोई मेरी बाइक चला लेता, पक्का 2-4 वीडियो तो बना लेता। अभी जो है ना गोवा वाली चमक स्टार्ट हो गई है, कैसीनो स्टार्ट जब दिखना स्टार्ट हो गया है, एंड उसके बाद में वाइन मार्ट वो भी देखना स्टार्ट हो गया है। मतलब ट्रस्ट में हम लोग इतने लोग एक साथ जा रहे हैं ना, तो सब लोग ऐसे देख रहे हैं कि लोग क्या करने वाले हैं। रॉयल एनफील्ड का तोरा ही अलग है भाई,